क्या प्रॉब्लम थी आपको? एक साल से थायराइड था। पॉइंट लगभग नियर अबाउट ऐसे 10 पॉइंट कुछ। थायराइड का जो लेवल था वो 10 पॉइंट कुछ था। कितने महीने यूज किया है आपने? 3 महीने कंटिन्यू चला है। 3 महीने पूरे होने के बाद क्या रिजल्ट मिला? हमको नॉर्मल मिला। थायराइड जो है नॉर्मल मिला। थायराइड का रिपोर्ट है जो कि नॉर्मल रेंज 0.039 से लेकर के 6.16 तक होनी चाहिए। अभी थायराइड 3.12 है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के एक जोगबनी जो कि बॉर्डर नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर है, जोगबनी कस्बे में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और चमत्कारिक रिजल्ट मिला हुआ है और आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार रिजल्ट है जिस रिजल्ट से आपको हम रूबरू कराएंगे। हमारे साथ में मैडम है, ये मैडम से जानते हैं। नमस्ते मैडम, क्या प्रॉब्लम थी आपको? एक साल से थायराइड था। थायराइड था एक साल। क्या नाम है आपका? प्रभावती सिंह। कहाँ के रहने वाली हैं? जोगबनी के रहने वाली हैं मैडम। प्रभावती नाम है मैडम का। तो थायराइड की प्रॉब्लम कब से थी आपको? एक साल से था। एक साल से थायराइड का प्रॉब्लम था। प्रत्येक बोले ताकि सुनाई दे। एक साल का था। जी। कितने पॉइंट लगभग नियर अबाउट? ऐसे 10। 10 पॉइंट कुछ। थायराइड का जो लेवल था वो 10 पॉइंट कुछ था। और कहाँ कहाँ इलाज कराया है? विराटनगर नेपाल में भी इलाज कराया। उसके बाद? उसके बाद से छोड़ करके यहाँ अपना आपसे करा रहा है। अच्छा अच्छा, नेपाल में इलाज कराने के बाद कोई फायदा हुआ? जी, टैबलेट चल रहा था वहाँ। जी, हम गोल खा रहे हैं। टैबलेट कितने एमजी का? 50 एमजी का टैबलेट खा रही थी। और उसके बाद अभी आप क्या ले रही हैं जिससे आपका थायराइड ठीक हुआ? अच्छा, अपनी एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास जो आपने लिया हुआ? ये अपनी कंपनी एसएलपीएस वेलनेस का थायरोडॉक रस है और उसके बाद अपनी कंपनी का इम्यूनोडॉक रस है और थंडर ब्लास्ट है। इन 3 प्रोडक्टों को लेकर के कितने महीने यूज किया है आपने? 3 महीने पूरा कंटिन्यू चला है। 3 महीने पूरा, उसके बाद चरवा चल रहा है। 3 महीने पूरे हो गए। 3 महीने पूरे होने के बाद क्या रिजल्ट मिला? थायराइड जो है नॉर्मल हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए थायराइड के पेशेंट और थायराइड को नॉर्मल करना बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में लाखों रुपया खर्चा करने के बाद आज थायराइड जैसी बीमारी को लोग नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं और हमारे एसएलपीएस के प्रोडक्ट पीकर के 3 महीने के अंदर थायराइड की रेंज को नॉर्मल कर दिया हुआ है, जो कि हमारे पास रिपोर्ट भी आई है। हम रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको कि रिपोर्ट क्या बोलती है, कैसे नॉर्मल रेंज है इसका। आगे लाओ कैमरा, ये देखिए सर, थायराइड का रिपोर्ट है जो कि नॉर्मल रेंज 0.039 से लेकर के 6.16 तक होनी चाहिए। अभी थायराइड 3.12 है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। पीछे जाइए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लग रहा है आप मैडम हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं? ठीक लग रहा है। उसके साथ काफी सारी बीमारियां और भी हमारा सब सही है। काफी सारी बीमारियां थी थायराइड के साथ साथ, लगभग सांस का भी प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती थी, बहुत ज्यादा अभी ठीक है, बिल्कुल थायराइड भी नॉर्मल हो गया। तो बहुत बड़ी बात है, ये चमत्कारी रिजल्ट है सर हमारे एसएलपीएस के प्रोडक्ट पी करके आज लाखों लोग अपनी बीमारी को ठीक कर पा रहे हैं। और मैडम से यही बोलना चाहेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को और ज्यादा से ज्यादा लोगों में रिकमेंड करें, बताएं उनको, ताकि वो भी अपनी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सके। हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल जी। तो मैडम हमारे प्रोडक्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और आज की डेट में हम लोग बहुत सारे लोगों पर रिजल्ट ले रहे हैं और हर बार एक नया वीडियो लेकर के आते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए और जबरदस्त चमत्कारिक रिजल्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।